जो हमने पहले भी पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री, लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. जब हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या. बायोकेमिस्ट्री जो है वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. तो हमने बायोलॉजी में कहा था कि बायो का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड केमिस्ट्री हमने कहा था कि स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो कलेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करते हैं. मतलब कि मॉलिक्यूल्स और उनके रिएक्शंस जो हैं उनको जब हम मॉलिक्यूल्स उनके जब केमिकल रिएक्शंस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करते हैं तो दैट्स कलेक्टिवली नोन एज बायोकेमिस्ट्री. सो फिर हमने कहा था कि ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं. दैट वी स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन फिर वो मॉलिक्यूल्स जो थे वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करते हैं. बिकॉज आपके पास जो है इन्वायरमेंट में आपके पास बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, बट हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिजम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो कि उनके केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने कहा था कि ये मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, वो दो तरह के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. क्योंकि मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने किस हिसाब से कहा था, हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इनको मैक्रो एंड माइक्रो में डिवाइड किया हुआ है. कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स वी रिक्वायर देम इन द लार्ज क्वांटिटीज, कि हमारी बॉडी को जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए, वाइल द जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वी रिक्वायर देम इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल क्वान्टिटीज. ओके, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, फिर हमने कहा कि हमारे पास कौन कौन से हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए. दैट्स द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, राइट. फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमने कहा था कि व्हाई यू रिक्वायर, बेसिकली व्हाई रिक्वायर दीज मॉलिक्यूल्स, व्हाई द मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके, लेकिन हम इनका जो मेजर फंक्शन है वो हम बता देते हैं कि जो कि किस बेसिकली इसका है क्या. तो कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज दैट दे आर द क्विकर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. Lipids are known as the storage form of energy. Energy storage form जो होती है, that's in the form of lipid, right? Nucleic acids, जो genetic material होता है, DNA and RNA, they are made up of the nucleic acid, right? Then micromolecules. Micromolecules are those molecules that are required in very small quantity, but still they have very significant role in the body, right? So vitamins आ जाते हैं, ठीक है. विटामिन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, दैट दे प्रोवाइड द विजन, दे प्रोवाइड द हेल्थ, दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी, ठीक है, दे बूस्ट अप द हेल्थ, ओके, दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी. उसके अलावा और भी बहुत सारे, क्योंकि विटामिन्स के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उनके हर एक के स्पेसिफिक रोल है. क्योंकि अगर हर एक भी अगर उसका डेफिशिएंट होता है, देन इट लीड्स टू सीरियस डिजीजेस. ओके, देन मिनरल्स. मिनरल्स जो है इनके भी आपके पास बहुत ज़्यादा, दे रेगुलेट दी जो है ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, राइट. अच्छा, नर्व इम्पल्सिस को रेगुलेट करता है, ठीक. सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द मिनरल्स. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, अब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, हाउ दे टेक अप दीज मॉलिक्यूल्स. अब ये मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन जो इनका मेन सोर्स है वो आपके पास क्या होता है, फूड होता है, राइट. तो मेन सोर्सेज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर फूड्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फूड सोर्सेज होते हैं. आप कौन से फूड सोर्सेज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटैटो, ब्रेड, ईटीसी, ठीक है. एंड प्रोटीन जो है वो आपके पास आ जाते हैं, मीट वगैरह हो गया. इसी तरह से लिक्विड जो है वो आपके पास फैट्स वगैरह के जो सोर्सेज हैं. इसी तरह से विटामिन्स फ्रूट्स वगैरह से डिफरेंट चीज़ों में होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स में. एंड सेम लाइक मिनरल्स जो है वो भी आप फूड से जो है, इनके मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, फूड होते हैं. अब बात यह है कि जब फूड जो है आप लेते हैं, ठीक है, ये सारे सोर्सेज हो आपके पास होते हैं, ठीक है, फूड जो है मेन सोर्स होता है. व्हेन यू टेक अप द फूड, ठीक है,
तो आपके पास जो है फूड जो है ठीक है थ्रू माउथ आपके पास वो डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है ठीक है। तो डाइजेशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, इन सब के हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन जो है वो पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से एंजाइम करते हैं, कैसे जो है ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो सिंपलर मॉलिक्यूल में पहले कन्वर्ट होता है एंड देन आपके पास फाइनली जो है जब वो डाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है ठीक है आपके पास जो है एसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, सबसे पहले माउथ में एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं ठीक है, स्लाइवा में स्लाइवरी एंजाइम एक्ट करते हैं, देन जो है वो स्टमक में आपके पास जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, देन आपके पास जो है वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स एंड देन इंटेस्टाइन से फाइनल आपके पास क्या होती है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जब इंटेस्टाइन से फाइनली इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, अच्छा तो आपके पास जो है ये एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट स्टेप हैं कि आपने फूड लिया ठीक है, फूड सोर्स लिया जो कि कॉम्प्लेक्स आपके पास होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा राइट, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हैं देन फाइनली उसकी आपके पास क्या होती है एब्जॉर्प्शन होती है ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो है एब्जॉर्प्शन फाइनल एब्जॉर्प्शन यू ऑल नो के फाइनल एब्जॉर्प्शन उसकी कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन भी हमने कहा था कि वो किस प्रोसेस से होती है, एब्जॉर्प्शन जो है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का अलग से होता है, प्रोटीन्स का अलग से, और लिपिड्स का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है कि इंटेस्टिनल आपके पास ये इंटेस्टिनल वॉल है वहां से आपके पास इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है एंड देन फाइनली जो है वो कहाँ पे रिलीज होती है, ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा तो कहना का मतलब ये है कि जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है ठीक है, जब फाइनली उसकी ब्रेक डाउन हो चुकी है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट है लिपिड है प्रोटीन है ठीक है वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोज अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी सिंपल फॉर्म जो है फ्रुक्टोज ग्लूकोज मेनोज है, इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं उसके अमाइनो एसिड्स हैं लिपिड्स के फैट्स हैं राइट एंड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके पास जो है उसकी वो कहाँ पे जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जाएंगे सेल, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन द सेल। सेल में फिर आपके पास क्या होती है, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं क्योंकि उसके जो फंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्म करने हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल में होते हैं। अगर उसके सिंथेटिक फंक्शन है जैसे प्रोटीन है उसका सिंथेटिक फंक्शन है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, उससे आपके पास जो है वो डिफरेंट चीजें बनेंगी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे, तो वहाँ पे उससे क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो वह कहाँ पे होगी, सेल में होगी। सेल ही आपके पास बेसिक यूनिट है जिसमें आपके पास सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अब सेल में आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे ठीक है, सिंपलर कंपाउंड जो है वहां पे पहुंच चुके हैं, कुछ कम्प्लेक्स भी होंगे ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, द डिफरेंट रिएक्शंस विल बी कैरीड आउट इनसाइड द सेल। तो दीज रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो सारे रिएक्शंस जो हैं दे आर परफॉर्म्ड जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड मैनर में जो है वो सारे सेल्स सारे रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। तो वो जो सारे रिएक्शंस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिज्म का नाम दे देते हैं, हम उनको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म है, ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये भी आपके पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक आपके पास होते हैं, एक रिएक्शंस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और एक होते हैं कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म क्या है कि एनाबॉलिज्म, इसको हम सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बट इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। देन कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म का ऑपोजिट है, जिसमें आपके पास जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है, या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जब आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनके सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो एनाबॉलिज्म जो है वो एनर्जी यूजिंग प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो यूज होती है, और कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ठीक है। सो दिस इज द एनाबॉलिज्म, एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म की, कि आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ठीक
ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी आपके पास क्या बनाएंगे, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, राइट. अच्छा, देन कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म में दिस इज द लार्ज मॉलिक्यूल, उसको सिंपलर जो है वो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, राइट. एनर्जी हमारे पास जो है, हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी की हम जब यहाँ पे बात करते हैं दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट. अगेन अनदर एग्जांपल कि कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और एनाबॉलिज्म जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हमें फिर आपके पास जो है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं. सो कलेक्टिवली ये जो आपके पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. ओके, देन हियर इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिज्म. हम जो है कैटाबॉलिज्म को और इस हर एक के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, बट डिटेल में जाने से पहले यू शुड नो अबाउट द ओवरव्यू. आपको ओवरव्यू पता चलेगा, ठीक है, बैकग्राउंड आपको पता होगा, थोड़ा सा जो है उसकी समरी पता होगी, देन आप जो है उसकी डिटेल को समझ पाएंगे. ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कैटाबॉलिज्म की एक एग्जांपल है कि कैटाबॉलिज्म में बेसिक कैटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें आपके पास ब्रेकडाउन होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट द एनर्जी इज रिलीज्ड. तो पॉलीसेकेराइड्स, राइट, सो पॉलीसेकेराइड जिसमें आपके पास बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं एक जो कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, सो दीज आर दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो कि आपके पास डाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं, कि पहले वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होते हैं, तभी वो उनकी अब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, एंड देन दे आर टेकन अप बाय द सेल्स, राइट. और फिर सेल्स में आपके पास जो है उसके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं. अच्छा, सो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इंटू मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स इंटू फैट्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इंटू अमाइनो एसिड्स. अब सेल में जो है इनके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, मोनोसेक्राइड्स बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनमें होते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाए गए, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये सारे आपके पास एक बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शंस में से गुजरते हैं. उसमें बहुत सारे इंजाइम्स यूज होते हैं, डिफरेंट इंजाइम्स इन सब रिएक्शंस में, एनर्जी किसी में यूज होती है, किसी में रिलीज होती है, किसी में मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, किसी में वाटर ऐड होता है, रिलीज होता है. ओके, तो ये सारे जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरने के बाद आपके पास जो है क्या देते हैं, इट गिव्स यू द एसिटाइल कोए, ठीक है, उनका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको कह सकते हैं, जो आपके पास क्या होता है, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट बट द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, एसिटाइल कोए, राइट. सो एसिटाइल कोए जो है ये आपके पास इंटर होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है. सो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इसमें भी आपके पास बहुत सारे जो है सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें इसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती रहती है, रीअरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, राइट. तो इस स्टेप में भी आपके पास एनर्जी रिलीज होती है, और इस स्टेप में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट. अच्छा, तो इसमें कुछ कैरियर्स भी होते हैं, एनएडीएच, एफएडीएच, इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बेसिकली कैटाबॉलिज्म है क्या. कैटाबॉलिज्म जो है, हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली एटीपी रिलीज होती है. एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली हम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी भी रिलीज होती है. दूसरा होता है कि इनडायरेक्टली, मतलब वो कन्वर्ट होती, एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द एनएडी. दो चीज़ें होती है, एक एनएडी है और एफएडीएच टू है. इसको हम कैरियर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं. ये क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो साइकिल है आपके पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे. जो एटीपी की मशीनरी होती है, एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पे लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उसको देता है, वहाँ पे क्या होते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस होती है.
तो एनर्जी जो है रिलीज होती है, कुछ डायरेक्टली रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कुछ जो है वो एनएडीएच और एफएडीएच को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर आगे जाके वो एटीपी की, ये भी आपके पास एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये जो है एटीपी सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और फिर वहां पे आपके पास एटीपी की जो है वो सिंथेसिस होती है. सो ये आपके पास कैटाबोलिज्म की एग्जाम्पल है. जो एनाबोलिज्म की एग्जाम्पल है वो एनाबोलिज्म में हम उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिटेल से पढ़ेंगे. तो इसमें आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस आ रही है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स. तो ये आपके पास एनाबोलिज्म की जो है वो एग्जाम्पल है, राइट. अच्छा, देन ठीक, मेटाबोलिज्म हो गया. हमने कहा कि जितने भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, ठीक है, कलेक्टिवली जो दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म. देन मेटाबोलिज्म में फिर हमने दो, हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी कि दो तरह की होती है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, एक कैटाबोलिज्म होता है और एक एनाबोलिज्म होता है. कैटाबोलिज्म जो कि ब्रेक डाउन डिग्रेडेटिव प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है क्रेब्स साइकिल की, सिट्रिक एसिड साइकिल की, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको बताई. और एनाबोलिज्म की एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, जिसमें